बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कार्डली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपको बड़े वक्त मिल सके आज का हमारा टॉपिक है डेफामेशन यानी अजाला हसीियत उर्फ़ी कोई भी ऐसा फेल कोई भी ऐसा रॉन्ग एक्ट जिससे किसी शख्स की इज्जत शोहरत, नेकनामी कारोबार और पेशा वारा शहरत पर हरफ आए वो डेफामेशन यानी अजाला उर्फी कहलाता है कोई ऐसा झूठ और भुख्तान जिससे किसी शख्स का माशरती वकार उसकी रिस्पेक्ट मजरूह हो ऐसा तहरीरी भी हो सकता है यानी रिटर्न भी हो सकता है और लाइबल यानी जुबानी भी हो सकता है इस किस्म के, के रॉन्ग एक्ट्स के जो अशास होते हैं उनका मकसद दूसरे शख्स के बारे में मुशरे के दीगर लोगों के दिलों में नफ़रत और हकारत पैदा करना होता है और इसके माशरती वकार को उसकी साख को नुकसान पहुंचाना होता है नुकसान रसीदा जो शख्स है ऐसे शख्स के खिलाफ हरजानों की वसूली के लिए नॉलेश दायर कर सकता है अजाला हैसियत यानी डेफामेशन की दो इकसाम हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है Libel defamation yani, azala urfi. A libel is a publication of a false and defamatory statement in some permanent form trending to injure the reputation of an other person without lawful justification or excuse. यानी तहरीरी अजाला हैसियत उर्फी किसी कानूनी जवाब के बग़ैर और बिना के बग़ैर किसी दूसरे शख्स की इज्जत शोहरत, वकार और माशरती मकाम को नुकसान पहुँचाने की नीयत से मुस्तिल शक्ल में किसी झूठे और रस्वा कन बयान की अशात को कहा जाता है इस किस्म के अफाल बेजा तहरीर इश्तहार मजमून हाका या कार्टून की सूरत में भी हो सकते हैं इसको कानूनी अतलाह इस में तहरीरी अजाला हैसीयत उर्फी यानी लाइबल डेफेमेशन कहा जाता है अब इसके जो असेंशियल्स हैं लाइबल डेफेमेशन के उसमें सबसे पहले ये है कि तहरीरी अजाला उर्फी मुस्किल बयान की सूरत में होना चाहिए मजमून हाका कार्टून वगैरह बाकायदा शाय शुदा हो दूसरी बात नुकसान का होना जरूरी नहीं है यह फैले बेजा जो है ये सीधा सीधा जो है वह नुकसान के समरे में आता है तीसरी बात तहरीरी बयान मुकम्मल तौर पर या जुज्वी तौर पर जुटा हो चौथी बात तहरीरी बयान छापने वाले की नीयत या लिखने वाले की नीयत किसी शख्स की सीरत इज्जत शहरत और वकार को दावदार करना है उसके अलावा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वह मुदा अलै की बजाय मदई पर होता है कि वह इस किस्म के बयान को जूटा गलत और बेबुनियाद साबित करे अब जो इसकी दूसरी किस्म है वो है सिलेंडर यानी जबानी अजाला हैसीयत उर्फे अ सिलेंडर इज अ फॉल्स एंड डेफर्मेटरी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट इन सम सम्रांसिटरी फ्रॉम ट्रेंडिंग टू इंजर द रिपटेशन ऑफ एन विदाउट लाफो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज यानी किसी कानूनी जवाब या बिना के बग़ैर किसी दूसरे शख्स की इज्जत शोहरत और वकार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किसी जुबानी झूठे और रस्वा कन बयान को कहते हैं इसको हम कानूनी असलाह में सिलेंडर कहते हैं तहरीरी अजाला हैसियत उर्फी की तरह सिलेंडर का मकसद भी किसी की इज्जत शोहरत वकार और माशरती मकाम को नुकसान पहुँचाना होता है अब हम देखते हैं कि सिलेंडर डेफेमेशन के क्या हैं। सबसे पहले यह कि बयान वाजा तौर पर झूठा और बेबुनियाद होता है दूसरी बात नीयत या मकसद किसी की शोहरत वकार इज्जत और माशरती मकाम को नुकसान पहुँचाना होता है तीसरी बात बयान लाजमी तौर पर किसी ने सुनना होता है उसके अलावा नुकसान का साबित करना जरूरी है बयान से उस शख्स के बारे में दूसरों के दिलों में नफरत पैदा हो ऐसा बयान तो ही नमेज़ होता है हा कनातन हो या इशारतन। सिलेंडर की जो हसियत है वो एक ये है कि इसमें कानूनी कार्रवाई के लिए मदई को हकीकतन और वाकता नुकसान साबित करना होता है यही इम्तियाज़ जो है ये तहरीरी हजाला हसीियत से इसको मुमताज़ करता है क्योंकि तहरीरी सूरत में तो प्रूफ खुद मौजूद होता है लेकिन ज़बानी होने की सूरत में सिलेंडर होने की सूरत में उसको प्रूफ करना होता है इसीलिए मदई पर लाजम होता है कि वो हकीकी नुकसान को साबित करने कर दे वरना किसी नुकसान के मुआवजे या हर जाने का वह हकदार नहीं होगा गोया इसका बुनियादी असूल यह है कि नुकसान को साबित किया जाए अलबतः कुछ सूरतें ऐसी हैं जिन सूरतों में इसका साबित करना जरूरी नहीं है जैसे कि अगर किसी शख्स के अहदे या हसीियत के बारे में कोई तहकीर मेज़ बात की जाए तो हकीकी नुकसान सबत करना जरूरी नहीं या अगर कोई बात तहकीर मेज़ हो और किसी शख्स के पेशा के बारे में की जाए तो इस बुनियादी असूल का इतलाक नहीं होता कि हकीकी नुकसान साबित किया जाए सिलेंडर जो डेफोमेशन है उसमें नियाबती जिम्मेदारी के असूल का इतलाक होता है अगर काबिल त्रास जबानी हयात का इजहार किसी शख्स के नुमाइंदा या मुलाजम ने कहे हों तो ये नियाबती जिम्मेदारी के तहत आका यह मुलाजमेदार ठहराया जा सकता है बेषर्तिका नियाबती जिम्मेदारी के दीग रसूल पूरे हों इसी तरह अगर कोई शख्स अपने तोते को चंद तहकीर मेज़ अल्फाज सिखा देता है और वह तोता लोगों के सामने ऐसे अल्फाज का इजहार करता है तो ये ज़ुबानी हसीियत की तारीफ में आएगा और तोते के मालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है अब हम देखते हैं कि सिलेंडर और लाइबल में डिफरेंस क्या है इसका सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो तहरीरी है इसका ताल्लुक बसारत से होता है यानी देखने से होता है जबकि सिलेंडर का ताल्लुक जो है वो सुनने से होता है यानी समाज से होता है तहरीर की इंग्लिस्तान में मैयाद छह साल है और जो जुबानी है उसकी मैयाद दो साल है तहरीरी में वाकई तक नुकसान होना जरूरी नहीं है जबकि जुबानी में नुकसान होना जरूरी है तहरीरी जो है लाइबल है यानी जो उसमें सबूत की जरूरत नहीं होती तहरीर खुद बहुत एक सबूत होती है जबकि सिलेंडर में इसको साबित करना जरूरी होता है जो तहरीरी होता है वह का होता है और जुबानी आर्जी तहरीरी में दूसरे के अमल में आने के बारे में पुख्ता कयास हो जाता है, है जबकि जुबानी में आर्जी नोयत का है और दूसरे केलम में आना साबित करना जरूरी नहीं होता इसी तरह तहरीरी में किना का पाया जाना लाजमी अमर है जबकि जुबानी में किना का पाया जाना लाजमी अमर नहीं है इसी तरह दीवानी और तजीरी दोनों किस्म का फेले बेजा है ये और जो जुबानी है वो ये सिर्फ दीवानी है अब हम देखते हैं कि डेफामेशन के अगेंस्ट डिफेंसिस क्या क्या हैं डेफामेशन एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जिसका मकसद किसी दूसरे शख्स की इज्ज़त शोहरत वकार और माशरती मुकाम को नुकसान पहुंचाना है इन हक़ के बावजूद मुदालय अपने तहफ़ की हातर चंद एक्सेप्शन का सहारा ले सकता है वो इसके लिए मौसर डिफेंस होंगे जैसे कि अगर इस किस्म के रॉन्ग एक्ट की कुछ सूरतें हों तो लाफ कानून के तहत लाफ ऑफ के तहत जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती इनके अलावा कोई ऐसा उज़र मौजूद ना हो जो मुदालय के लिए उज़र बन जाए जैसे कि सबसे पहले है बोनाफाई कमेंट्स यानी मुनासब और जायज़ तनकीद मुल्की या अवा मुफाद की खातर किसी मसले पर या किसी की ज़ात से मुतलिक सही दुरुस्त और जायज़ तबसरा या तनकीद अजाला उर्फी यानी डेफेमेशन में नहीं आता बशर्तिका के नीयत साफ हो ऐसा करना मुल्की और कौम मुफाद में बेहतर हो तबसा या तनकीद दयानंदाराना और बेलाग हो उसमें हसद नफरत या कीना का पहलू मौजूद ना हो इसके अलावा जायज़ तबसर या तनकीद मफाद से मुबर हो उसमें जती मफाद ना मौजूद हो ऐसी सूरत में जो जो है जो है डिफेंस वो काबिल कबूल होगा और डेफामेशन के खिलाफ ये एक डिफेंस होगा दूसरे एक्सेप्शन इसकी क्या हैं पार्लियामेंट्री रिकॉर्डिंग्स पार्लियामेंट के अंदर की गई तकरीरों तबसरों या दरख्वातों पर डेफामेशन की हद तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती पार्लियामानी कमेटियों मावन और जिली कमेटी को दी जाने वाली दरखास्तें और उन पर दी जाने वाली शहादतें और गवाहान के बयान भी डेफर्मेशन के जुमरे में नहीं आते पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलने इल्जाम तराशी पर कोई गिरफ्त नहीं है ऐसी तकरीर और तहरीरों को मुकम्मल तहफ हासिल होता है उसके अलावा जुडिशियल प्रोसीडिंग आ जाती हैं अदालती कार्रवाई के दौरान मुतलका मामला की हद तक एक शख्स को बतौर गवाह कितना झूठा बयान दे इल्जाम तराशी करे या तो नाम अल्फाज कहे वो डेफेमेशन में नहीं आते हैं अदालत के सरबराहान को कतई ये इसक हासिल है कि उनके रिमार्क्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती फौजी अदालतों की कार्रवाइयाँ और नीम अदालती कार्रवाइयाँ भी इसी में शामिल हैं इसी तरह अदालती कार्रवाईओं की सही और दुरुस्त रिपोर्टिंग और मुनासबाशायद करने पर भी डेफेमेशन के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती अगला है स्टेट एग्जीटिव एक्जिक्टि, प्रोसीडिंग्स यानी रियाती इंतजामी कार्रवाइयाँ मुल्की और वामी मफाद की हद तर रियासतीरान की इतजामी कार्रवाइयाँ जो अदायगी फ्राइज पर मबनी होंगी वो भी अजाला हसीियत डेफेमेशन में नहीं आएंगी इसी तरह से त्रुथ यानी सदाकत डेफेमेशन में मुदाला ये उजर अख्तियार कर सकता है कि उसने जो बात कही है या लिखी है वो सच्चाई पर मबनी है वो हकीकत पर मबनी है अगर तहरीर या बयान सच है तो नीयत या मकसद गैर जरूरी करार पाएंगे मुदाल अक्सर ये साबित करना है कि इल्ज़ाम महज इल्ज़ाम तराशी नहीं है बल्कि हकायक और सदाकत पर मबनी है तो वह बरी जमा करार पाएगा और अगर सदाकत के साथ मुल्क या आवामी मफाद भी हो तो ये एक मुकम्मल दिफा है ये था डिफेमेशन यानी अजाला हैसियतरफी जिसके खास खास पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं आइंदा हम किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ताला आपका और मेरा नासिर हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़